सो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आपका आशीष सर और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइज, हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो यार, प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने बनाया है, अभी तक मैंने 4 लेक्चर इस चैप्टर पे बना दिया है और आज अपन ये चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। आज अपन आखिरी सेशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर का और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। उसके बाद एनसीईआरटी बुक की कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा, देन मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, आई होप आपका मैथ्स, फिजिक्स, सोशल और बायो वगैरह की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उसके भी वीडियोस टाइमली अपने चैनल पे अपडेट होते रह रहे, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहना। दूसरी चीज़ यार, अगर आपको हमारे किसी भी मैथ्स की, साइंस की, सोशल की, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज या एमसीक्यूज चाहिए, आपको सब कुछ हमारे वेबसाइट edugrown.in पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यार जल्दी चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो हमारी सीरीज पसंद आ रही हो फाउंडेशन कोर्स वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th का ये टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में लगभग हमने चैप्टर का 80% चीज़ें कवर कर लिया था, 80% चीज़ें हमने कवर कर लिया इस चैप्टर का। नाउ आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें हम अपन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। बट बिफोर इसको स्टार्ट करने से पहले अपन फिजिकल और केमिकल चेंज को थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो यार क्लास 10th में भी इस चीज़ को पढ़ोगे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस को, ठीक है यार, आप क्लास 9th में ही चीज़ें पढ़ लोगे तो आपके लिए बेस्ट है। क्लास 10th में जाने के बाद कम से कम ये तो रहेगा कि यार वी नो डैट, है ना। तो देखो यार, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है थोड़ा समझते हैं। नाउ द प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर फिजिकल चेंजेस, ठीक है। यानी क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसको आपने फिजिकली चेंज किया है, तो फिजिकली चेंज किया है उसको तो जाहिर सी बात है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। जैसे आप एक वेजिटेबल ले लो, कोई कैरेट ले लो, कैरेट को फिर आपने कट, कैरेट की शेप थी 15 सेंटीमीटर, है ना, आपने कट कर दिया तो उसकी साइज तो चेंज हो गई बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं मैंने कैरेट को काटा और लग रहा है मूली जैसा, या कैरेट को काटा लौकी जैसा टेस्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम, ऑर्डर, स्मेल, ऑल आर सेम, बट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुआ, शेप चेंज हो गया, है ना। एंड उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया, है ना। ऐसा तो नहीं अपन ने गाजर को काटा तो मूली बन गया, मूली को काटा तो फिर कुछ और बन गया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। वही है बट उसका शेप चेंज हो जा रहा है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जा रही है। ऐसे सब्सटेंस को अपन कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। द कॉमन चेंज फिजिकल चेंजेस आर कलर का चेंज होना, हार्डनेस का चेंज होना, रिजिडिटी का चेंज होना, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का चेंज होना, दैट आर एग्जांपल ऑफ कॉमन फिजिकल चेंजेस। वहीं हम केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज आर केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग है, इन दोनों को रिएक्ट कराता हूँ तो हमारा बन जाता है H2O, वाटर, लिक्विड स्टेट। तो यहाँ ऑक्सीजन हमारा गैस में है, हाइड्रोजन हमारा गैस में है, और जो सब्सटेंस जो बना है वो एकदम नया ही सब्सटेंस बना है लिक्विड स्टेट में। अब हाइड्रोजन गैस को तो आप खा नहीं सकते हो, ऑक्सीजन गैस को तो खा नहीं सकते हो, बट वाटर को आराम से मतलब पी सकते हो, लाइक डैट। तो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया ना, जो न्यू सब्सटेंस बना वाटर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो गई, वो लिक्विड हो गया, उसके बाद वो फ्लोएबल हो गया, उसकी कुछ बॉइलिंग पॉइंट हो गई, उसकी कुछ हाइड्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट अलग बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की भी बहुत कम होती है, वाटर की थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ये सब कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई, है ना। तो ध्यान देना, सम केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑर्डर का चेंज होना या इनफ्लेमेबिलिटी का चेंज होना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ ऑल दो आइस, वाटर, वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज,
दे आर केमिकली द सेम बोथ वाटर एंड द कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट दे आर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी. ठीक है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को डिफ्रेंशिएट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है. तो ये कुछ आपको आई होप यार आपको ये दिख रहा हो स्क्रीन में, पढ़ के आपको बता देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो. फिजिकल चेंजेस में सबसे पहली ये है कि इट ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट शेप एंड साइज एटसेट्रा. केमिकल चेंज की बात करें तो इट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड पॉइंट है नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व. जब आप किसी चीज को फिजिकली चेंज करते हो तो उसके कोई केमिकल चेंजेस के प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलेगा. वहीं बात करें केमिकल चेंजेस का, चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व, है ना. लाइक देखो हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, वाटर जो बना वो लिक्विड है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई. नाउ जो ये तीसरा है फिजिकल चेंज, इट इज अ रिवर्सिबल. ये क्या होता है कि अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट वापस से पहले जैसे हो पाएगा, बट इट इज जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है. एक बार आपने वाटर बना दिया फिर वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम अमाउंट में बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. अगला है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंजेस बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अगला टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस का टाइप क्या है. सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. क्या होता है प्योर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो किसी सेम पार्टिकल से मिलकर बने हों, है ना, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस. लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट जो बना है वो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम से ही मिलकर बना है एंड हाइड्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टीज आर सेम, है ना, लाइक दैट. तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो तरीके का होता है, एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड्स होता है, है ना. अपन अब एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड एंड द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये भी देखेंगे. तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है. सो अकॉर्डिंग टू एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, इन्होंने बहुत अच्छे से एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया था, बताया भी था इसके बारे में. एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर डैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब देखो जैसे इतना बड़ा है, इसको आपने आराम से कट कर दिया तो इतना बड़ा हो गया, इसको कट कर दिया तो इतना हो गया, इसको भी तोड़ दिया तो इतना हो गया, इसको भी तोड़ दिया तो इतना हो गया. अब यार इसको अपन अब देख ही नहीं पा रहे ढंग से तो फिर तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे. तो एटम कुछ ऐसी चीज है जिसको फर्दर ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस. ठीक है, नाउ इट इज डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स विच आर मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स. एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, एक मेटल होते हैं, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स. क्लास एट में भी आप पढ़े होंगे इन चीजों को. ठीक है, नाउ वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स को. तो देखो यार मेटल की बात करते हैं सबसे पहले. मेटल की, मेटल क्या होता है, आई होप यार इतना तो आप लोग जानते ही होंगे मेटल क्या होता है उसकी. अब बट अपन उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ दे हैव लस्टर. जो मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा चमकते हैं, है ना. मेटल जो होते हैं बहुत ज्यादा लस्टर, शाइन करते हैं. ठीक है, नंबर वन, दे आर दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के. ये प्रॉपर्टीज वैसे मैटर नहीं करता बट आप लिख सकते हो अगर मन किया तो, है ना. तीसरी प्रॉपर्टी है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जाहिर सी बात है मेटल है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत, मेटल जो होता है क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल. फ्री इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्रीली घूम मूव करते रहते हैं. तो आप एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो आराम से एक दूसरे को ट्रांसफर कर करके दूसरे एंड पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है. फ्रीली मूव करते हैं मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिसकी वजह जब इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो क्या होते हैं सिस्टमेटिक एक लाइन में आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हुए आपको इस एंड पे झटके लगते हैं, लाइक दैट, है ना. नाउ देखो ये चीज हो गया. वैसे ही हीट भी मेटल, हीट मेटल जो होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ कनेक्टेड होता है. दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रोन इन टू वायर. मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, यानी अगर आप किसी मेटल को इस तरफ से फोर्स लगाओ और इस तरफ से फोर्स लगाओ तो ये जो मेटल है ये वायर के फॉर्म में, पतला सा वायर के फॉर्म में स्ट्रेच हो जाएगा. इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेच, इसी को डक्टिलिटी बोलते हैं. ठीक है, दे आर मैलेबल. जो मेटल होता है वो मैलेबल भी होता है. कैन हैमर्ड इन टू थिन सेट, मतलब कि अगर मेटल का कोई टुकड़ा है आपके पास उसको अगर आप हैमरिंग कर दो, है ना, थॉर का हैमर अगर आप मारोगे तो जो मेटल का ये जो टुकड़ा इसका शेप चेंज होकर कैसा हो, इस तरीके थिन प्लेट में कन्वर्ट हो सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसे को अपन कहते हैं मैलेबिलिटी ऑफ डैट मेटल.
अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर डक्टिलिटी और मैलिबल, डक्टाइल और मैलिबल, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से देखो बच्चा लोग, हम क्या कर रहे हैं, हम जब डक्टिलिटी बता रहे हैं तो डक्टिलिटी के टाइम पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों फोर्स बाहर की तरफ है, है ना। ये देखो ये पकड़ा और ये बाहर की तरफ लगने वाले, ऐसे फोर्स को अपन कहते हैं टेंसाइल फोर्स, टेंस कर रहे हैं, टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टेंसाइल फोर्स। तो अगर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो किसी मेटल में, उससे जो उसकी चेंजेस हो रही है देन उसे डक्टिलिटी कहते हैं। और किसी मेटल पे कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेस यानी ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है ना, लाइक हैमर से मारते हो तो क्या कॉम्प्रेसिव फोर्स, मेटल पे इस तरीके से कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है ऊपर से, और ये जमीन पे लगा होगा तो जमीन पे इस तरीके की, तो इससे थिन, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है तो वहां पे मैलिबिलिटी आप बताना चाह रहे हो, जहां टेंसाइल फोर्स लग रहा है इट मींस वहां पे आप डक्टिलिटी बताना चाह रहे हो। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी में यही डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दे आर सोनरस, यानी सोनरस यानी साउंड, है ना। अगर मेटल्स को कहीं भी गिराओगे तो टन इस तरीके से आवाज करेगा, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, कभी भी हिट करो मेटल कुछ ना कुछ आवाज करता है ना। अब देखो एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। वहीं हम मरकरी की बात, मरकरी इज द ओनली मेटल डेट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट के होते हैं, सॉलिड होते हैं ना, मेटल इज सॉलिड। बट एक ऐसा मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है ना, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है मरकरी, बाकी जितने मेटल होते हैं सब सॉलिड होते हैं। मरकरी का एग्जांपल देख लो, थर्मामीटर जो लगते हैं उसके अंदर जो ऊपर नीचे करता है ना वो एक्चुअली मरकरी है। थोड़ा सा हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा देते हैं तो वो तुरंत ऊपर प्रेशराइज्ड होकर ऊपर की ओर जाने लगता है, लिक्विड रहता है वो, ठीक है। ये वो भी बहुत मेटल है, और कभी खाने की कोशिश मत करना, बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, ले बीतेगा, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है ये भी आपको आइडिया हो ही गया, नॉन मेटल यार प्लास्टिक हो गया है ना, वुड हो गया, ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, एक्चुअली होते हैं बट अपन एज अ नाइन्थ क्लास ठीक है समझ लेते हैं नहीं होते हैं। तो अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो पास ही नहीं करता एक दूसरे को, तो कैसे एक दूसरे एंड पे झटका लगेगा। सो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नहीं होती है। सो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ, बहुत सारे अलग अलग कलर्स की मिल जाए, नमक नॉन मेटल वाइट कलर का, कॉपर सॉरी सल्फेट नॉन मेटल आपका ब्लू कलर का, आयोडीन नॉन मेटल आपका, आयोडीन कह रहे हैं, क्लोरीन नॉन मेटल है ना, कलर उसका ब्राउनिश कलर, बहुत सारे वैरायटी ऑफ नॉन मेटल के कलर्स मिल जाएंगे। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस ऑल्सो। दे आर नॉट लस्चरस, सोनरस और मैलेबल। जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं वो ना ही चमकते हैं, ना ही गिरने पे आवाज करते हैं, ना वो मैलेबल होते हैं। तो क्या होते हैं नॉन मेटल, जो होता है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का यानी क्या होता है, ब्रिटल मतलब अगर आप नॉन मेटल लो उसको जैसे आप उसमें हैमरिंग करोगे ना तो वो फिर वो मेटल की तरह लमड़ जाएगा या फिर चिपटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये बिखर जाएगा इस तरीके से। आप चौक को लो ना, चौक को लो और चौक पे मारो, थोड़ा सा पूरा चौक पाउडर फॉर्म में हो जाता है ना, तो दैट इज द ब्रिटलनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट मेटल, जो नॉन मेटल होते हैं वो लस्चर्स चमकते नहीं है, बट एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सपेक्ट आयोडीन, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमाइन, क्लोरीन, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। नाउ मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड, देखो मेटल ये हो गई मेटल की प्रॉपर्टीज, ये हो गई नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, बीच में होता है मेटलॉइड्स। ऐसे मेटल्स या ऐसे एलिमेंट्स जो थोड़ा सा मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, थोड़ा सा नॉन मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा हो, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर रहा हो, है ना, तो ऐसे मेटल्स को अपन मेटलॉइड्स कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स, एंड बोथ दिस आर शो प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, और कह सकते हैं ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
मेटल हमारा खत्म हो गया, अब एलिमेंट खत्म हो गया, कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड्स को समझते हैं। द कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना। जैसे देख लो हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट मिलकर क्या बन गए, है ना। चलो अपन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते ही, अपन चलते हैं बेसिक से। देखो होता क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। ये जब मिलते हैं तो बनता है एटम, है ना, एटम मिलता है। अब एक एटम एटम मिलके, दो एटम मिलके, एटम प्लस एटम मिलकर आपका बन जाता है एलिमेंट, ठीक है। दो एलिमेंट मिलकर बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, या मॉलिक्यूल्स मिलके बन जाते हैं हमारे कंपाउंड्स, यही फंडा है। चलो एग्जांपल देते हैं, ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वन प्लस दो हाइड्रोजन मिलके बन गए हाइड्रोजन एटम, दैट इज एच, हाइड्रोजन एटम बन गया, हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन का एटम मिलके बन गया हाइड्रोजन का एलिमेंट, है ना, और दो एलिमेंट मिलके बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ एक और हाइड्रोजन, या दूसरा लाइक एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन एलिमेंट मिला देंगे तो बन जाएगा H2O, दैट इज कंपाउंड, यही है तो है कंपाउंड, ठीक है। चलिए कंपाउंड क्लियर हो गया। अब कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल और ले लेते हैं कंपाउंड। सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, तो सोडियम इज एलिमेंट, क्लोरीन इज एलिमेंट, टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड, है ना। वैसे ही ले लो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, वन इज एलिमेंट अनदर इज मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, दैट इज कंपाउंड। तो ये कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। नाउ अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सचर्स, हमने पढ़ा था शुरू के ही लेक्चर में मिक्सचर्स पढ़ा था, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, इसको जरा हम देखते हैं। तो देखो मिक्सचर्स क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, है ना, बट एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यहां पे एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं लाइक हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, वाटर इज द डिफरेंट प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस बन गया। बट मिक्सचर में हम क्या करते थे, मिक्सचर के में क्या करते थे हम, मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, NaCl का सॉल्यूशन लिया और मिला के दोनों को बन गया, तो क्या बन जाएगा हमारा, मान लो बन गया सोडियम सल्फेट बन गया और कॉपर क्लोराइड बन गया, लाइक डैट। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, यही बने बस एक्सचेंज, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इनके एक्सचेंज हो गए, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। बट यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे बन गया वाटर, जिसकी प्रॉपर्टीज और हर चीज इन दोनों से एकदम अलग है, है ना, लाइक दैट। अब देखो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं, बट कंपाउंड द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। यानी अब देखो कॉपर सल्फेट और NaCl, मान लीजिए 2 ग्राम है और ये 5 ग्राम, ये मिलके यहाँ पे बन गए, मान लो ये 5 हो गया ये 2 हो गया, ऐसा हो सकता है। बट जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में ही रहते हैं। देख कैसे, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी एच वाटर बनेगा। यहीं पे अगर मैं उल्टा कर दूं, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन कर दूं, तो फिर आपका वाटर ना बन के कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बने, है ना, वाटर बने, तो यार आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा फिक्स प्रोपोर्शन में, 1:8 में, तभी जाकर आपका बनेगा वाटर, है ना, यही फंडा है बस। ओके नाउ अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, अ न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे अब मिक्सचर का एग्जांपल लो, हमने कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाया तो हमारा बन गया सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। अब देखो ना, इधर भी सल्फेट है क्लोरीन, इधर भी सल्फेट है क्लोरीन है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, कोई नई चीज नहीं बनी कि नई प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज आर सेम,
है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, हल्की हल्की चीजें। बट अगर हम कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो एकदम अलग होता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग, और H2O जो बनता है वो तो एकदम डिफरेंट होता है। ये गैस है और ये एकदम लिक्विड है, लाइक दैट, है ना। एंड द लास्ट थिंग वाज द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाई फिजिकल मेथड। फिजिकली मेथड से हम बड़ी आसानी से हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोसेस पढ़े हैं इस चैप्टर में मिक्सचर्स को अलग करने का, फिजिकली हमने देखा है। बट कंपाउंड को द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से ही। अगर वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं, आप हीट कर लो, चाहोगे हीट कर दें तो अलग हो जाए, नहीं, हीट करोगे तो पूरा वाटर ही गायब हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, वाटर ले लो, है ना, एनोड डाल दो, कैथोड डाल दो और इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, तो इधर एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन ऐसा आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से कर सकते हो आप, या फिर केमिकल और कोई दूसरे केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो, बट इसके अलावा आप फिजिकली चेंज नहीं कर पाओगे कंपाउंड को, ठीक है। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट थे मिक्सचर और कंपाउंड्स का। सो गाइज, आई होप यार आपको ये जो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस था, डेट इज एलिमेंट और कंपाउंड, ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी देखा और हमने डिफ्रेंशिएट भी किया मिक्सचर और कंपाउंड को। ये तीन टॉपिक हमने कवर किया इस वीडियो में और ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।